खजूर मींस डेट्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसके खाने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं ये आप शायद ही जानते होंगे। आप केवल इतना ही जानते होंगे कि जो खजूर है वो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है और एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन खजूर के अंदर इतने ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसके अंदर आयरन, फॉलेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इतना ज़्यादा मात्रा में होता है। विटामिन B12 होता है जो कि ना केवल आपके शरीर में हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि आपको ओवरऑल हेल्दी रखने में मदद करता है। तो यदि आप डेट्स के बारे में मीन्स खजूर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारियों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि आप खजूर का सेवन करते हैं तो आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा अभी हमने बताया कि ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करते हैं। ये शायद सभी लोग जानते होंगे कि डेट्स जो होता है बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन लेवल को अप करता है। लेकिन क्यों अप करता है, क्या होता है? देखिए, जब हम खजूर का सेवन करते हैं तो खजूर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलेट होते हैं, ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स मीन्स लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनके निर्माण का काम करता है। और आप देखिए, अगर आपके शरीर में लाल रक्त कणिकाएं प्रॉपर बनेंगी तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी ऑटोमेटिक बनेगा, आपके शरीर में ब्लड इंक्रीज होगा, क्योंकि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये अगर इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। तो आपको अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पेल है, आपको आपका जो ब्लड लेवल है बहुत दिन से कम है, आपने बहुत सी दवाइयाँ ट्राई कर ली, तो आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ खजूर का सेवन करिए। आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है तो आप इसे दूध के साथ ले लीजिए। वज़न ज़्यादा है तो आप दूध के साथ मत लीजिए। आप इसे सुबह खाली पेट 2 खजूर खाकर देखिए, आपके हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी अप होगा। देन सेकंड है, हमारे वज़न को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने कहा कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उन्हें खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए, और अब मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों का वज़न कम है वो खजूर का सेवन करें, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर आप खजूर का सेवन सुबह खाली पेट एज इट इज़ ऐसे खा लेते हैं तो ये आपके वज़न को कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए, खजूर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होता है, और खजूर जो है ये हमारे पेट को काफ़ी लंबे समय तक भरा भी रखता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर होती है, और ये जो नेचुरल शुगर होती है ये कभी हमारे वेट को बढ़ने नहीं देती है। और अगर आप खजूर का खाली पेट सेवन करते हैं तो ये आपके वज़न को कंट्रोल करेगी, स्पेशली जो आपका हिप फैट है इसको कम करने में मदद करती है, बैली फैट को कम करती है। यही दोनों चीज़ें, बैली फैट और हिप फैट, यही दोनों चीज़ें देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इन्हीं को अगर कम करना है का आप सोच रहे हैं तो डेट्स का सेवन मीन्स खजूर का सेवन ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके शरीर मीन्स आपके पेट को काफ़ी लंबे समय तक भरा रखती है, आपको ओवर ईटिंग से बचाती है। तो यदि आप डाइटिंग भी करने का सोच रहे हैं या डाइटिंग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डाइटिंग करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा उनको वीकनेस आ जाती है डाइटिंग करने से, चक्कर सा महसूस होने लगता है जिससे वो डाइटिंग छोड़ देते हैं, लेकिन डाइटिंग के साथ साथ अगर आप खजूर का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में कमजोरी नहीं आने देती है, आपके शरीर को एनर्जेटिक बना के रखता है और आपके वज़न को भी कम करने में मदद करता है। देन थर्ड हेल्थ बेनिफिट होता है, प्रेग्नेंट वूमेन के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहती हैं कि आपका जो बेबी है वो भी बहुत हेल्दी हो, उसका माइंड डेवलप हो, तो आप खजूर का सेवन ज़रूर करें। क्योंकि देखिए,
बेबी को हेल्दी और फिट रखने के लिए हम आयरन खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, ताकि उसकी हड्डी अच्छे से मजबूत हो, हड्डी मींस शरीर में डेवलपमेंट अच्छे से हो। ये तभी अच्छे से होगा जब आपके शरीर को प्रॉपर कैल्शियम मिलेगा, प्रॉपर आयरन मिलेगा, प्रॉपर फॉलेट मिलेगा, और ये सभी चीज़ें खजूर के अंदर होती है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो रोज़ सुबह 2 से 3 खजूर ज़रूर खाइए। ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, आपके बच्चे के शरीर को डेवलप करने में, बच्चे की ग्रोथ बढ़ाने में और आपको भी फिट रखने में, आपकी कमजोरी को दूर करने में मदद करेगा। देन नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है, ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप काफ़ी लंबे समय से ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो रोज़ सुबह आप खाली पेट 2 खजूर का सेवन करके देखिए। पोटेशियम की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जिन्हें ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज़ है तो आप डेट्स का सेवन ना करें। अगर केवल आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर खजूर खाएं, ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी कंट्रोल करने में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल की अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी खजूर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, स्पेशली आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा बढ़ा रहता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, मीन्स आपने HDL और LDL के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो आपका जो LDL लेवल है वो हमेशा कम रहता है और HDL लेवल बढ़ा रहता है, तो आप डेट्स का सेवन ज़रूर करें। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके LDL लेवल को कम करने में और HDL लेवल को बढ़ाने, मींस गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल से अगर आप परेशान हैं तो भी आप 2 डेट्स का सेवन रोज सुबह कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट आपके लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप खजूर का सेवन करते हैं तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज से दूर रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कब्ज से परेशान हैं, आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, आप 2 से 3 बार जाते हैं और आपका पेट सही से साफ नहीं होता है, तो आप दूध के साथ डेट्स मीन्स खजूर का सेवन करके देखिए, बहुत जल्दी आपको कब्ज से राहत मिलेगी। फाइबर्स की भरपूर मात्रा होने के कारण ये आपको कब्ज की समस्या से, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उससे आपको निजात दिलाने में मदद करेगा। देन नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट आपके लिए हो सकता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, आपकी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है, आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, तो भी आप खजूर का सेवन ज़रूर करें। अपने पास खजूर रख कर देखिए, आप तुरंत ही खजूर का सेवन कर लेते हैं, आपको जब भी कमज़ोरी महसूस होती है या आपको नींद नहीं आती, नींद ना आने के कारण आपको सुबह बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी फील होती है, तो आप खजूर 2 खजूर सुबह खा के देखिए, आपको इंस्टेंट एनर्जी आएगी, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर होता है और ये नेचुरल शुगर आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है तो भी आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट होता है, ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। जी हाँ, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होने के कारण ये हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। यदि आपके भी हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है या आपको हमेशा बैक पेन बना रहता है, आपके जॉइंट्स पेन होते हैं या आपको फिंगर भी मूव करने में पेन होता है, तो मीन्स आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है। तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए खजूर का सेवन कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर 1 महीने खजूर का सेवन कर लेते हैं सुबह खाली पेट, तो आपके हाथ पैर में दर्द की समस्या या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है वो भी दूर हो जाती है। डेट्स खाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ये हमारे आइज़ हेल्थ के लिए, हमारे हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे लीवर को हेल्दी रखने में मदद करता है, फैटी लीवर से छुटकारा दिलाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन को भी दूर करने में मदद करता है और बहुत से फ़ायदे होते हैं। लेकिन हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ायदों की बात की,
अगर आप डेट्स का रेगुलर सेवन करते हैं तो जितने भी हमने फ़ायदे की बात करी, ये सभी फ़ायदा आपको मिल सकता है। आप डेट्स का सेवन ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आप खजूर का सेवन कब से कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।